अभी ये बहुत बड़ा है और यहाँ पे गुरुत्वपूर्ण हो गए रिकॉर्ड ले फिर यहाँ पे पहला ही कई बार यहाँ पे मैक्सवेल ने कहा है तो भयभीत करने के लिए आया हो पहला दिन पहला चौका दूसरा गेंद लेकिन यहाँ पे अपील बहुत बड़ा है और यहाँ पे सफलता मिलेगा बहुत बड़ा झटका यहाँ पे और इसी सफलता का ही तो इंतजार था सुरजीत का मिल गया मौका और यहाँ पे दिला दिया है 440 वोल्ट का झटका एकदम एक विकेट था कत गुरुत्वपूर्ण हो बिल्कुल बहुत बड़ा सफलता यहाँ पे फर्स्ट बॉल से चौका दूसरा गेंद यहाँ पे सफलता मिला है फर्स्ट ओवर की खेल प्रगति पर नया बल्लेबाज है द मैन फ्रॉम दुर्गापुर सरपी मिस्टर रंजीत को उर्फ बबलू का आगमन हुआ है क्रीज के अंदर पहला ही गेंद लेकिन यहाँ पे ओ माय गॉड इसी विकेट का ही तो इंतजार था और वन ब्रिंग्स टू एक नहीं एक के साथ और एक तोहफा के रूप में मिला है दुर्गा पूजा पार हुआ है दीपावली पार हुआ है लेकिन तोहफा आज बांटा जा रहा है जी हाँ कहीं ना कहीं ये अंडरडॉग तो नहीं है इस टूर्नामेंट का ये टीम कहीं ना कहीं जिस तरह से पहला दो गेम से दो झटका जरूर पहला गेम में चौका आया था फिर फ्रीड्स मैक्सवेल और बबलू को लौटाया डग आउट में लेकिन सुरजीत अब जिस चीज का जिक्र किए थे जिस वर्ड का जिक्र किया अंडरडॉग सोचिए चार दिन पहले टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम इंडिया का मुकाबला इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया अंडरडॉग था वहां पे लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार दिया अंडरडॉग बन के 130,000 समर्थकों को चुप करा दिया अहमदाबाद में जी हाँ टॉस के समय पैट कमिंस यही कहा था कि 140,000 लोगों को हम चुप करवा देंगे लेकिन यहाँ टीम इंडिया तो नहीं है लेकिन बबलू ब्रिगेड है ये इतना आसानी से मुकाबला में हार नहीं मानेंगे मिला चौका क्योंकि लोकल लड़का है लेकिन वोकल जरूर होंगे यहाँ श्रीमंतो है बिल्कुल यहाँ पर श्रीमंतो यंग टैलेंटेड सुपरस्टार खिलाड़ी घरेलू मैदान होम ग्राउंड नीचे से चार कोर्ट पेन शॉट देखिए शॉट कड़क है लेकिन पीछे अंबुजा सीमेंट और भैया अल्ट्राटेक सीमेंट का दीवार खड़ा हुआ है दीवार को तोड़ना मुश्किल ही नहीं फोकस कीजिए ये कड़क शॉट है भैया लड़का है लोकल यहाँ के दर्शक है भोकल और ये लीजिए आ चुका है चार का और एक टोटल मेरा चार रन सोरभ ये दीवानगी है और जो दीवानगी महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए सिर्फ चेन्नई नहीं पूरे भारत में हुआ करता था वो दीवानगी आज रामपुर हाट में दिखाई दे रही है एकदम এখানে লক্ষ্য থাকবে যে বুয়ার উইকেটটা কিন্তু বুয়ার ব্যাট কথা বলবে বুঝলি তো ব্যাটের চৌকি তো চুম্বন নিখুঁত সামিয়ানার মেলবন্ধন এবং বাউন্ডারি আসবে দিজিয়ে ভাইয়া বল দিজি বিলকুল বুয়া এবারে কিন্তু বোলার কাম ব্যাক করবেন এটা লড়াই ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে পল্লব লড়াইটা হবে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই হবে আর কিসি ভি শর্ট ফরওয়ার্ড কে ক্রিকেট মে ইয়ে গেম ইয়ে গোল্ডেন ডেলিভারি হ্যায় ইয়র্কার গেম ফির একবার বুয়া कोई मौका नहीं देखिए गिरने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद कांटा बदल रही है इस पिच में और ये पिच बल्लेबाज नहीं गेंदबाजों के लिए भी अनुकूल है तो तुम चाचा बोलते हैं कैटा बाउंड्री है এবং এটা নো লুক শট এবং কোথাও যেন একটু দুঃখ পাবেন বোলার বাউন্ডারি আসবে ডেফিনেটলি বহুত দূর ভেজা ইস গেন্দ কো ইতনা দূর ভেজা হ্যায় জাহাঁ তক ফ্লিপকার্ট আপনে পার্সেল কো ভি ডেলিভারি নহীঁ করতা হোগা বহুত দূর মিলা চার রান এবং দলের রান 1.5 ওভারে এই মুহূর্তে 20 লক্ষ্যমাত্রা 52 বিলকুল 20 রান তে পৌঁছা স্কোর स्ट्राइक पर है बुआ बिल्ड अप योर एरिया जो जानते अपने एरिया को बिल्डअप करना बाएं हाथ के बल्लेबाज बड़ा विकेट निकाला था इससे पहले पोस्टर बॉय का विकेट मैक्सी का विकेट निकाला है
लेकिन ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी इस बार अंत तक रहना पड़ेगा अगर इस मैच को जीतना है तो। स्कोर पहुंचा 20 तक। शॉट देखिए, कड़क शॉट भैया, सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है और टेढ़ा उंगली के साथ घी को निकाला है। मिला चौका, ये शॉट का प्रयास तो किया था लेकिन कोई कनेक्शन नहीं। ये जानता है बल्लेबाज, बल्ले को टेढ़ा किया था जैसे पल्लव जी बोल रहे थे ना, उंगली तो नहीं है, बल्ले को टेढ़ा करके बॉल को आउट ऑफ द ग्राउंड भेजा है। नाम सुमंत घोष, मैन फ्रॉम द किंग ग्राम बिटबम। अच्छा खेलता है भाई साहब ये बल्लेबाज, इसका पैडल शॉट, माई गुडनेस क्या देखने को मिलेगा क्या। एक और बार जोरदार प्रहार, अंपायर की उंगली खड़ी हो चुकी है, जाना पड़ेगा सुमंत घोष का एक बड़ा विकेट। कहीं ना कहीं दादा बैकबोन को तोड़ा है मुझे लगता है, क्या लगता है इस बार। चलिए शॉट तो कड़क है, क्या संकेत आएगा ऑफिशियल की तरफ से। हर एक रन इंपॉर्टेंट है, हर एक डिसीजन यहां पे इंपॉर्टेंट है। थर्ड अंपायर थोड़ा सा वक्त लेते हुए, थोड़ा सा टाइम लेते हुए, बिल्कुल टाइम लिया है। ये बड़ा मुकाबला, ओनली 3 डिलीवरीज रिमेनिंग, शेष 3 के बॉल बाकी है। 15 गेंदों पर 24 रन चाहिए पानी और 7 स्टार को अगर इस मैच को जीतना है तो। मपुरवर मदर स्कोर बोर्ड फुल फंदे शिरो कौन तक है डॉट बॉल टॉस पे 4 बॉल तो शेष 2 बॉल बाकी रोशन है। और यहां पे फिर एक बार बल्ले का ऊपरी किनारा, सफलता आएगा संजीत पाजी ऑलराउंडर। संजीत आए हैं, संजीत गेंद को बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं और संजीत डगआउट में जाकर रेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बीच समुंदर में बैटिंग टीम का नैया डूबती हुई नजर आ रही है। बैकबोन को तोड़ा है, रीढ़ की हड्डी को तोड़ा है बारियर 7 स्टार। नाम सुन रहा था मैं इस टीम में दिग्गज दिग्गज खिलाड़ी, लेकिन आज नहीं चल पाए दादा शिवम सिंह के दिग्गज गेंदबाजों के सामने। लेकिन यहां से अगर देखेंगे 13-24 रन, ये गेंद काफी इंपॉर्टेंट है, ये गेंद काफी महत्वपूर्ण गेंद है इस ओवर की अंतिम गेंद सामने। ये आसानसोल का ये खिलाड़ी रन टू बिल्कुल डेड बॉल का संकेत आया है। 13 गेंद से 24 रन, रिक्वायर रन रेट 11 तक पहुंच चुका है। रिवर्स आएगा, शॉट देखिए भैया, हवा के संग संग घटा के साथ साथ गेंद कहेगा मैं चली रे चली साजन के घर चली, गेंद जाएगा साजन के घर, मिलेगा चौका 4 रन। गेंदबाजी पर ब्रिंग माइक, नाम सुपर है दादा लेकिन काम ये सुपर से ऊपर कर रहे हैं सारे खिलाड़ी। पानी और 7 स्टार के दिग्गज बल्लेबाजों को शांत रखा है शिवम संगो। टॉस में जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया था इन्होंने। दूसरी गेंद लगातार 2 गेंद 2 बिंदी गेंद, और ये देखिए सिर्फ मैदान के अंदर नहीं बैटिंग टीम के डगआउट में भी खलबली मच चुकी है। अब क्यों खलबली मचा है, क्योंकि प्रेशर है। अब प्रेशर कहां नहीं है अपन जी, अब 10th का एग्जाम देने जाएंगे वहां प्रेशर है, 12th का एग्जाम देने जाएंगे वहां प्रेशर है, अब CA का एग्जाम देने जाएंगे वहां भी प्रेशर है, हर जगह प्रेशर है। लेकिन दादा जो प्रेशर को झेलना जानता है ना वो दिग्गज खिलाड़ी कहलाता है। इसी के साथ वन मोर चौका, बिल्ड अप योर एरिया, द मैन फ्रॉम दुर्गापुर आई थिंक बबलू। चलिए चौका मिला है, यहाँ पे 2 गेंद डॉट के बाद 1 चौका, तो यहां से देखेंगे 9 गेंदों में चाहिए 16 रन। ये 9 गेंद, ये अंतिम 3 गेंद कहीं ना कहीं बुआ के ऊपर नजर रहेगा। दुर्गापुर का ये खिलाड़ी, बाएं हाथ का ये धुरंधर, लेकिन जरा मृन्मय में भी फोकस करिए। मृन्मय 3 गेंद 1 चौका अंतिम 3 गेंद से। दर्शकों के लिए दो लाइन बोलना चाहूंगा पल्लव जी, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, कि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, और तालियां वही बजाते हैं जनाब जिनके बाजुओं में दम होता है। जोरदार ताली हो गया दर्शक। स्ट्राइक पर वाइट बॉल, लेग स्टंप के बाहर की गेंद, ये कड़क शॉट है,
भैया पैर पकड़ने का कोशिश करेंगे तो आपको माफी नहीं मिलेगा, पैरों में गेंदबाजी, टीम जाएगा सीधा मैदान के बाहर। सी मा रे खा पार कट चौका, कहीं ना कहीं शॉट भी नो लुक था और गेंदबाज को भी काफी दुख होने वाला है ये। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं ना दुख के टाइम में ही तो सुख आता है, अब दुख के वक्त को पार करेंगे तभी तो आप वो हैप्पी टाइम को फील करेंगे। कसम का ये शॉट, शॉट देखिए भैया, खामियां भी है मुझमें खूबियां भी है मुझमें, अरे ढूंढने वाला तू ढूंढ, तुझे क्या चाहिए मुझमें। और ये खिलाड़ी जब भी खेलता है ना इस खिलाड़ी में खूबियां ही नजर आता है। चौका के साथ मुकाबला को फिर एक बार छोटा किया है गोवा ने, तो सात गेंदों में अब चाहिए 6 रन, 7 गेंद 6 रन। फील्डिंग प्लेसमेंट देखिए बुआ के सामने, भैया वहां पे अल्ट्राटेक सीमेंट का दीवार खड़ा किया गया है, क्या दीवार में गेंद यहाँ पे रुकेगी ये देखने लायक चीज। एक नहीं दादा दो दो दीवार खड़ी करी है। आउट, जी हाँ जाना पड़ेगा। घंटू पहली गेंद यहां पर बिंदी गेंद, ये डॉट बॉल नहीं, ये 24 कैरेट खारा सोना है, बिल्कुल 24 कैरेट खारा सोना। नाम इनका कृष्णा है, कृष्णा 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 सातपुते का लॉन्ग क्रिकेट में नाम सुना है, लेकिन आज शॉर्ट हैंड में गेंदबाजी का भार संभाले कृष्णा। चलिए पांच गेंदों में 6 रन। ये देखिए मैदान के अंदर लगातार फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है, बल्लेबाज के ऊपर वो मनोवैज्ञानिक सा एक दबाव को यहाँ पे डाला जा रहा है, मेंटल प्रेशर, मेंटली प्रेशर, जी हाँ एकदम सटीक। चौका आएगा, करक ये शॉट, क्या गजब ये शॉट भैया, आग लगे चाहे बस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में, रंटू तो रहते हैं हमेशा अपने मस्ती में, एकदम मस्ती में रंटू ने चौका मारा है। टीम शिवम संघ को क्या डॉट बॉल आएगा यहां से, बिल्कुल डॉट बॉल आएगा भैया, लाइन को मिस किया है और यहां पे डांडी गुल 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 डांडी गुल, डांडी को गोल किया है दादा, तो आप किसके पड़े में जाएगा ये मुकाबला। रामपुर आग है यहाँ, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, इसको हम भगवान की तरह मानते हैं, अल्लाह की तरह मानते हैं, क्रिकेट पूरी तरह से कड़क। 3 बॉल 2 रन, लास्ट विकेट आखिरी विकेट यहाँ पे, तो स्ट्राइक पर है निट्टू, अपना सिग्नेचर इनका गेंदबाजी है, लेकिन आज बल्लेबाजी का भार संभाले, पूरा प्रेशर उनके पास, वो जान सकते हैं, वो जानते हैं मैच को 3 गेंदों पर 2 रन चाहिए। बिल्कुल अर्पण, यहाँ से अगर एक चीज मैं दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा, ठंड का मौसम है, मैदान में गर्माहट है, तो यह कम जाएगा या फिर चौका, निट्टू इज ऑन स्ट्राइक, यहाँ पे ऑफिशियल की तरफ से वाइड का मांग किया जा रहा है, लेकिन वाइड आया नहीं है, डॉट बॉल आया है, यहाँ पे बिंदी गेंद आई है, तो 2 गेंदों में चाहिए आप 2 रन, 2 गेंद 2 रन, स्ट्राइक पर निट्टू, उनके साथ ऋतिक शर्मा। भैया कौन बनेंगे नायक से महानायक और कौन बनेंगे खलनायक, मुकाबला काफी बड़ा है, 2 गेंद 2 रन, सरपंच कौन बनेगा, किसकी बनेगी सरकार और किसको मिलेगी हार, 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए, यही तो क्रिकेट है, और इसी क्रिकेट को देखने के लिए ही तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया रात रात भर घर को छोड़ते हैं, फैमिली को छोड़ते हैं, दादा मैच चलता हुआ रामपुर सुपर कप में, मुकाबला पूरी तरह से हाई वोल्टेज है, लेकिन कहते हैं ना मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट सिर्फ बल्ला और गेंद का खेल नहीं है, ये मुकाबला रणभूमि में नहीं, मुकाबला मनभूमि में जीता जाता है, दिमाग के साथ 2 गेंद 2 रन। यहाँ पे फिर एक बार बिंदी गेंद आया है, फिर एक बार डॉट बॉल आया है, मैच ऑफिशियल नॉट इंटरेस्टेड, इट्स अ फेयर डिलीवरी, चलिए 2 गेंद 2 डॉट बॉल यहाँ पे लगातार, 1 बॉल में चाहिए 1 रन। ऐसा दिग्गज खिलाड़ी के टीम को शांत रखा है शिवम संघ, I'm sorry.
परफॉर्मेंस छोटो लिट्टू।